नमस्कार, मैं हूँ मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं आचार्य कृष्ण महाराज जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आचार्य जी, नाग पंचमी कब है और क्या महत्व है, इसका क्यों मनाया जाता है इसे? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में, जैसे कि आपको हम बताते हैं कि 2021 में 13 अगस्त 2021 को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। जिसमें क्यों मनाया जाता है और इसमें क्या क्या फायदे होते हैं, किस प्रकार की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि आपको बताया कि जन्म कुंडली में, हम जन्म कुंडली में देखते हैं तो राहु और केतु हमेशा दशा में आमने और सामने बैठते हैं। कुंडली में कभी कभी राहु और केतु के अंतर्गत सभी ग्रह आ जाते हैं, जिसे कहते हैं कालसर्प दोष। कालसर्प दोष के जीवन में क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं। कालसर्प दोष जिस भी प्राणी की कुंडली में होता है, जातक हो या जातिका हो, बालक हो या बालिका हो, तो इस कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में कालसर्प दोष का प्रभाव होता है, उनके बनते हुए काम बिगड़ जाना, किसी भी कार्य में धैर्यतापूर्वक कार्य को ना कर पाना, हर कार्य में उलझने, अड़चने, रुकावट पैदा होना एवं नाना प्रकार की बाधाएं होती हैं, स्वप्न में सर्प का दिखाई देना, लेटे लेटे चौंक जाना, इस तरीके की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए हम पूरे वर्ष में इस तिथि का इंतजार करते हैं एवं इस तिथि में यह पूजा करने से विशेष फलदायी होती है। एवं जीवन में जो भी इस तरह की कालसर्प से युक्त जो बाधाएं होती हैं, चाहे वो तक्षक से हो, वासुकी से हो, शेषनाग से, 12 प्रकार का कोई भी कालसर्प दोष क्यों ना हो, इस पूजा करने से हमारे कालसर्प दोष से मुक्त हो जाते हैं एवं कुंडली में जो जीवन में रुकावटें आती हैं उनसे हमें मुक्ति प्रदान होती है और निरंतर हम अपने भविष्य में मार्गदर्शन पे जीवन में तरक्की करते हैं और सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। कालसर्प दोष की पूजा विशेषता नाग पंचमी को की जाती है। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आस्था से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABN News के साथ। नमस्कार।